वाराणसी में काफी रेगुलर सब्जियां सस्ती हो गई है, उसके बावजूद अलग अलग जगह पर अलग अलग दामों में बिक रही है। मंडियों में टमाटर अब 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं फुटकर दुकानों में यह अभी भी 80 से 100 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। मंडी में शिमला मिर्च 40, मूली 50 और परवल 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, जबकि ठेले वाले इसे 60 से 80 रुपए तक बेच रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि फुटकर विक्रेताओं ने सब्जियों का भाव बढ़ाया हुआ है। टमाटर का तो मंडियों के मुकाबले फुटकर दुकानों पर दुगना दाम वसूला जा रहा है। वाराणसी में रेगुलर सब्जियों की बात करें तो लाल आलू 22 रुपए किलो और सफेद आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं प्याज के दाम घटकर 18 से 20 रुपए किलो हो गए हैं। बैंगन 30 से 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, लौकी 20 रुपए किलो और हरी मिर्च 40 रुपए किलो बिक रही है। वहीं फलों की बात करें तो अनार और सेब 240 रुपए किलो, तो वहीं कीवी फल 260 रुपए किलो और केला 60 रुपए दर्जन और संतरा भी 60 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं मंडियों में जाने पर यह 20 से 30 रुपए तक सस्ता मिल रहा है। वाराणसी में आम 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, इसमें लंगड़ा और दशहरी आम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।